नूह नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 की सोनिया अब निर्विरोध पार्षद बन गई है। आपको बता दें कि नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में 3 प्रत्याशी थे, जिसमें हिमांशी, कृष्णा कश्यप व सोनिया ने वार्ड नंबर 12 से अपना नामांकन किया था। हिमांशी शर्मा का नामांकन पत्र में दस्तावेज अधूरे होने के चलते रद्द हो गया। ऐसे में सोनिया और कृष्णा कश्यप प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में बची। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार थानसिंह कश्यप की पत्नी कृष्णा कश्यप ने वार्ड नंबर 12 के पार्षद पद से अपना नामांकन वापस ले लिया और सोनिया को निर्विरोध पार्षद बना दिया। वहीं वार्ड नंबर 12 की सोनिया को निर्विरोध पार्षद बनने पर समर्थकों ने बैंड बाजे के साथ खुशी मनाई। निर्विरोध पार्षद चुने जाने के बाद सोनिया ने कहा कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, अब वह वार्ड नंबर 12 से निर्विरोध पार्षद बन गई हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार थान सिंह कश्यप की पत्नी कृष्णा कश्यप का आभार जताया कि उन्होंने उन्हें पार्षद बनने का यह मौका प्रदान किया है, जिसके वह आभारी रहेंगे। वही अपना समर्थन देने वाली कृष्णा कश्यप ने कहा कि उन्हें काफी खुशी हो रही है कि आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में पहला पार्षद चुना गया है। आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये समर्थन हमें आम आदमी पार्टी ने दिया है और इन्होंने ही हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है, और हम आगे भी चेयरमैन ही आम आदमी पार्टी को ही हम भी समर्थन करेंगे और आप भी हमारी सहयोग देना, सभी इसमें सहयोग करना कि चेयरमैन आगे आम आदमी पार्टी को ही जाए। धन्यवाद। जी मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे आप सभी ने निर्विरोध चुना, और इस खुशी की जिम्मेदार सिर्फ आम आदमी पार्टी। मैं वार्ड नंबर 12 से कृष्णा कश्यप और थान सिंह कश्यप ने आज सोनिया को समर्थन दिया है और SCVC को आगे लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैंने उनको सपोर्ट किया, उनको समर्थन दिया है और उनको निर्विरोध जिता के लाए हैं, और आगे भी हम आम आदमी पार्टी को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। जो हरियाणा के नूह में सबसे पहले हमने आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आगे भी हम नगर पालिका से जीत के आएंगे और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखो हमारा मेन टारगेट है चेयरमैनी, और चेयरमैनी के लिए हमें SCVC समाज को सबसे पहले मजबूत करना होगा, क्योंकि उसमें एक ये कदम है, ये हमारा ही परिवार है। हमेशा इन्होंने हमसे पहले चेयरमैन रहे थे, पार्षद भी रहे, तो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारा SCVC समाज का ही रहा है, और जब ये हमें हमेशा करते आए हैं तो अब की बार इन्होंने कहा और हमें SCVC समाज को आगे बढ़ाना था, तो हमने सर्वसम्मति से इनको पार्षद पद के लिए निर्विरोध आम पार्टी की तरफ से घोषित किया, और हरियाणा में यह पहली नगर परिषद होगी जिसमें आम आदमी पार्टी का खाता खोलने का काम हमने सोनिया जी के थ्रू किया है और SC समाज के थ्रू किया है। BJP में मैं पिछले 25-30 साल से था, उसने हमेशा SCVC के नाते मेरे साथ भेदभाव किया। जब भी मेरा आगे बढ़ने का काम आया तो उन्होंने मुझे मतलब कि नीचे करने का काम किया, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया उन्होंने, और आम पार्टी ने मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, हर तरह से उन्होंने मुझे फिर टिकट देकर मेरा सम्मान किया, और जो SCVC की जो पूरे समाज यहाँ खड़ा है इनका सबका समर्थन पार्षद के साथ भी है और चेयरमैन पद उम्मीदवार थान सिंह कश्यप के साथ भी है, और हम आम आदमी पार्टी का यहाँ पे चेयरमैनी का कमल भी खिला, चेयरमैनी का जो झाड़ू है वो चला कर दिखाएंगे। हमें अपनी वोटों पर ज़्यादा टारगेट है, हम अपनी अपनी वोट पर अगर करवा गए तो हम 3500 से आर पार जाएंगे, और 3500 का ये चुनाव होगा नगर परिषद का, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो ये रुपये पैसों के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो करोड़ 2 करोड़ की बात करते हैं और बाद में भ्रष्टाचार करते हैं 6-7 करोड़ निकालने का, और उनके खिलाफ आज भी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो हम उनको रिकवरी कराने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, नगर परिषद में पूरे शहर में भ्रष्टाचार का झाड़ू से सफाई कर देंगे।